कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के प्रसार पर चिंताओं के कारण 40 से अधिक देशों ने यूके के साथ अपनी सीमा को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। देते हैं आपको पूरी जानकारी, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यूके से उड़ान भारत और हांगकांग सहित यूरोप और दुनिया भर के देशों में निलंबित कर दी गई है। कनाडा ने 20 दिसंबर 2020 की आधी रात से ही यूनाइटेड किंगडम को आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास में उठाया गया है। रविवार शाम को फ्रांस ने यूके के साथ अपनी सीमा को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी लॉरीज या फेरीज डोवर के बंदरगाह से नहीं जा पाएंगी। फ्रांस सरकार ने कहा कि यह एक प्रोटोकॉल स्थापित करेगा। बोरिस जॉनसन सरकार की इमरजेंसी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और बाद में डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने चेतावनी दी कि वायरस का नया वेरिएंट, जो 70% तक अधिक ट्रांसमिसिबल हो सकता है, इसे कह सकते हैं कि नया वेरिएंट नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यूके के आगमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य देशों में बेल्जियम, कनाडा, इंडिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया एंड स्विट्जरलैंड जैसे कई देश शामिल हैं। कुछ बैन पहले से लागू हैं, जबकि अन्य मंगलवार से शुरू होने हैं। इस बीच यूके में कोरोना वायरस के मामले रविवार को 35,928 बढ़ गए। यह लगभग 7 दिन पहले दर्ज संख्या है और यह घोषणा की गई कि पॉजिटिव टेस्ट के 28 दिनों के भीतर एक और 326 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसे देश की कुल संख्या 67,401 हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।